नमस्कार दोस्तों, NBSA यानी समाचार प्रसारण और मानक प्राधिकरण एक स्व नियामक संस्था है जो ख़ास तौर से टीवी चैनलों ने मिलकर के बनाई है। और इस संस्था के बनाने की वजह ये है कि समय समय पर उनके प्रसारण, उनके कंटेंट को लेकर के सवाल खड़े होते रहे और ये बहस भी इस देश में चलती रही कि क्या मीडिया को भी सरकार या सरकार से संबंधित कोई संस्था निगमित करे, नियमित करे, यानी उनके कंटेंट पर नज़र रखे। तो इसका विरोध हुआ और उसके बाद NBSA बनाया गया। NBSA समय समय पर टीवी चैनलों को कुछ दिशा निर्देश जारी करता है जब उसको ज़रूरत महसूस होती है। अब उसने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये दिशा निर्देश क्यों जारी करने पड़े यह भी समझना बहुत ज़रूरी है। बरसों से अयोध्या में ज़मीन के मालिकाना हक को लेकर के अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं और अब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने 40 दिन की लगातार सुनवाई के बाद इस पर फैसला देने का निर्णय लिया है और तारीख भी तय कर दी है 17 नवंबर से पहले। आप जानते हैं 6 अगस्त के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय खंडपीठ ने लगातार 40 दिन तक सुनवाई की। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगी। जाहिर है चूँकि ये बहुत लंबे समय तक सियासी मुद्दा बना रहा है, इस पर न केवल पॉलिटिकल पार्टियां बल्कि जो गैर सरकारी संगठन हैं और जो अलग अलग तरह की संस्थाएं चलाते हैं अलग अलग समुदायों के नाम पर, वो भी अपने अपने हिसाब से सियासत करती रही हैं और इससे देश के कुछ समुदायों में लगातार टेंशन बनी रही है। जाहिर है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बहुत जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ रिपोर्टिंग करें जिससे समाज में, देश में किसी तरह का वातावरण ख़राब ना हो। NBSA ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं टीवी चैनलों को, उनमें कहा गया है कि जो 90 के दशक में ढांचा ढहाया गया था, यानी जिसको बाबरी मस्जिद कहते हैं, उससे जुड़े हुए फुटेज ना दिखाएं, अटकलों पर आधारित कोई प्रसारण ना करें, फैसले से पहले संभावित नतीजों पर किसी भी तरह का सनसनीखेज, भड़काऊ या उकसाने वाला प्रसारण ना करें। सुप्रीम कोर्ट में लंबित सुनवाई के बारे में भी उसकी प्रमाणिकता की जांच पड़ताल स्वयं अधिकृत संवाददाता या संपादक के द्वारा की जाए, इसके बाद ही उसे प्रसारित किया जाए। फैसला आने के बाद जश्न या उसके विरोध में जो प्रदर्शन होंगे उनको ना दिखाया जाए और ये शो ना करें कि किसी समुदाय के प्रति पक्षपात हुआ है या किसी के प्रति पूर्वाग्रह रहा है। अगर ये देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि जो स्व नियामक संस्था है, यानी जो टीवी चैनलों के द्वारा ही बनाई गई है और जिसमें सरकार का कोई दखल नहीं है, सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं है, और सरकारें चाहे भाजपा की रही है या कांग्रेस की रही है, आमतौर पर उनका यही कहना रहता है कि हम चाहते हैं कि मीडिया स्वतंत्रता से अपनी भूमिका का निर्वहन करे। लोकतंत्र के 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, और चारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जो भूमिका है उसको ठीक तरीके से निभाए और उनकी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके किसी कृत्य से समाज में, किन्हीं समुदायों में किसी तरह की टेंशन क्रिएट ना हो। तो इस लिहाज से अगर देखें तो NBSA के जो दिशा निर्देश हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या इस तरह के दिशा निर्देश जारी करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए? और इस तरह के दिशा निर्देशों के बावजूद जिस तरह का रवैया आम तौर पर
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कुछ पार्ट्स हैं, कुछ टीवी चैनल हैं, कुछ इस तरह का रवैया अपनाते रहते हैं जिनसे ना चाहते हुए भी समुदायों में अक्सर तनाव पैदा हो जाता है। भारत पाकिस्तान से जुड़े हुए मुद्दे ही देख लीजिए, जब भी कोई इस तरह की बात होती है तब कुछ टीवी चैनलों पर भारत की तरफ से भी, उधर पाकिस्तान से भी कुछ सो कॉल्ड स्पेशलिस्ट को जोड़ लिया जाता है और वो भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उनको एक तरीके से हम मौका देते हैं कि वो भारत के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ करें, प्रधानमंत्री के बारे में गलत बयानी करें, और वो प्रसारित भी होती हैं चूँकि लाइव होता है। तो क्या भारतीय चैनलों को इस पर मंथन नहीं करना चाहिए? इसी तरीके से कई बार जब कहीं कोई भीड़ हिंसक हो जाती है, तोड़फोड़ करती है, आगजनी करती है, या किसी को पीट पीट करके मार डालती है, उसको भी न केवल कई बार दिखा दिया जाता है बल्कि उस पर घंटों घंटों बहस की जाती है। और टीवी के पर्दों पर जिस तरीके से जो आमंत्रित गेस्ट हैं उनके बीच में भड़काऊ बातें होती हैं, बयानबाजी होती है, एक दूसरे दलों को, सरकारों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जाती है, एक दूसरे की छवि धूमिल करने की कोशिश की जाती है, कई बार तो मानहानि की जाती है, क्या इस तरह के सीन केवल टीआरपी के लिए क्रिएट किए जाने चाहिए? तो टीवी चैनलों के लिए भी ये सोचने समझने का वक्त है कि उनकी समाज के प्रति, देश के प्रति, आम नागरिकों के प्रति, समुदायों के प्रति क्या जिम्मेदारी है और क्या जवाबदेही है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल, इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो शेयर भी करें, और अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, और जो साथ में लगे बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।